लाइव है तस्वीरें और अड़ाणा पहुंचे हैं। इस समय ग्रामीणों ने जो है जाम लगाया है, मौके पर SDM साहब पहुंचे हैं। इस समय ग्रामीण देख सकते हैं यहाँ खड़े हैं, क्योंकि सड़क पूरी की पूरी सड़क का जो पत्थर है वो बाहर निकल चुका है और सड़क की हालत इतनी खस्ता है सड़क पर आने जाने वाले के। और इस गांव के लोग कहते हैं अब तो इनके रिश्ते भी जो है उन्हें बंद हो चुके हैं, जो भी आता है वो यहीं से जो है वापस लौट जाता है। हालत किस प्रकार से गंभीर है, SDM साहब मौके पर मौजूद है, अभी पहुंचे हुए हैं, उनसे जो है बातचीत करेंगे और लगातार है लाइव तस्वीरें। क्या क्या समस्या आ रही है जी? भाव जी, दो दो फुट के खड्डे हैं, दो दो फुट पानी भर जाता है, दो स्कूल भी हैं इस सड़क के ऊपर और 10 गांवों से ज्वाइंट है ये सड़क, इसके ऊपर को चलना नासवार है। बारिश होने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं आ को आया जाता, कोई खाली मोटरसाइकिल भी निकलती तो हमें 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के बारी गांव से होके आना पड़ता है। और 10 गांव ज्वाइंट करते हैं इस सड़क को, किसी का कोई बच्चा इसमें चल सकता नहीं, कोई आदमी पैदल चल सकता नहीं, बारिश के टाइम में दो दो फुट पानी। SDM साहब, ये नहीं कोई रिश्ते होने भी बंद हो गए, ये तो नहीं कोई रिश्ते भी होने बंद हो गए हमारे, तो रिश्ते वाला भी पीछे जींद रोड पर लबोट है जनाब, काफी समय से ये सड़क टूटी है, करीब 6-7 सालों से। देखिए आज मैं यहाँ अभी निकल रहा था इसी एरिया से और ये देखने पहले भी ग्रामीण जो है इस मुद्दे पर एक दो बार मिले हैं और SDO साहब से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जी हमारा इसकी जो सैंक्शन अभी पेंडिंग है तो जल्द से जल्द ऊपर बात करके जल्द से जल्द इसकी सैंक्शन मंगवा के काम ये करवाएंगे हम। तो अभी देखने को मिला है कि स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो जल्द से जल्द इसको ठीक करवा देंगे। पाँच साल से एक टंकी तक नहीं रोड पर लगी, नहीं पीछे भी हमने मिट्टी और ये कुछ जो इस पे थोड़ा बहुत कार्य किया इस पे करवाया था, लेकिन बारिश के कारण जो है ये हो सकता है ज़्यादा दिक्कत है अब आ रही है, लेकिन इसकी जो सैंक्शन है हेडक्वार्टर लेवल से आती है वही पेंडिंग है। यदि लोकल लेवल का यदि कोई इशू होता तो हम यहीं इसको रिजोल्व करवा देते। तो सड़क ये सिर्फ टंकियों से और इस चीज़ से ये ठीक होने वाली स्थिति नहीं है, तो इसका डिटेल ऊपर जो कारपेटिंग है उसका कार्य यही करवाना पड़ेगा जो सैंक्शन से हो पाएगा, और उसके जल्द से जल्द ऊपर हम बात करके इसको जल्द करवाएंगे। देखो आज अभी हम एक्शन साहब से या SDO साहब से बात करेंगे, वहाँ किस स्थिति पे है, जो कहाँ ये फाइल पेंडिंग है जिसके कारण ये अटका हुआ काम, वो बात करके हम इसमें जरूर जल्द से जल्द इसको करेगा हम करवाएंगे। मंदीप सर, जो भी सड़क बनती है उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत बार बार आती है, ये भी सड़क कुछ 5 साल पहले जब बनी थी तो कुछ ही समय बाद टूट गई थी, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाए? देखिए जो भी काम होते हैं उसकी प्रॉपर सैंपलिंग होती है, यदि इस तरह की नया कोई काम होता है और यदि उसमें कोई इस तरह का खराबी आती है, ये पुरानी सड़क है अब इसकी कोई सैंपलिंग ये नहीं हो सकती, यदि कोई ऐसी पुरानी सड़क है क्योंकि 3 साल का जो टाइम होता है वो DLP का होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मेंटेन करता है, उसके बाद यदि उस समय यदि ऐसे भी कोई भ्रष्टाचार का यदि कोई मामला यदि लगता है तो बेझिझक आप हमें बताएं, उसकी सैंपलिंग करवाएंगे हम। पूरे गांव वाले कह रहे हैं जी महीने के अंदर टूट रहे हैं। हाँ जी, एक महीने के अंदर ही सड़क टूट रही है। सुनील जी आप बताओ, ये तो पुरानी सड़क है इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, देखो ये तो कई साल 5 साल की तो आप खुद ही मान रहे हो। मैं जो दिखाना चाहूंगा वार्ड नंबर 24 से जो है सुनील भी हमारे साथ हैं, जो एक कैंडिडेट के तौर पर लगातार जो है अपनी मांगों को उठाते हैं, चाहे वो पानी की मांग है चाहे वो सड़क की मांग है, तो क्या समस्या है? देखिए सर, आपने पता है हरियाणा के अंदर जितनी सड़क टूटी है उसमें मेरा गांव अड़ाना भी आता है, जितनी चारों सड़क है मेरी चारों गांव सारी सड़क टूटी पड़ी है। देखिए सिर्फ जो पत्थर है वो आपको यहाँ नजर आता हुआ और सिर्फ मिट्टी है, तार कोल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म है और ये समस्याएं यहाँ लगभग जुड़ते हैं इसमें जी, इसमें दो इधर से पानीपत भी निकल जाए और पानीपत से इधर से कैथल भी जावा जी, सोडकोट में जावा, लोग काफी लोग जावा जी, डंपर चलते हैं, स्कूल की बस जाती है, गांव ये गांव के बच्चे हैं, कम 2000 बच्चे पढ़ते हैं जी, रोज गिरा टूटा बेचारे, कहीं कहीं टांग टूटा, कहीं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल है, मंदिर है, काफी समस्या है बहुत ज्यादा। ये प्राइवेट स्कूल भी है सरकारी स्कूल भी है और इस गांव की हालत ये है कि ये जो सड़क है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की ये लंबी सड़क है और इसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल खस्ता इसकी हालत, और जब इस सड़क के यहाँ से निकला जाता है तो लगभग 1.5 से 2 फुट का जो है पानी यहाँ खड़ा हो जाता है, सभी जो ग्रामीण हैं 20 गांव बताए गए हैं वो यहाँ
जुड़ते हैं और यहाँ से असंध को जाते हैं या फिर सफीदों की ओर जाते हैं, लेकिन इसका जो है अभी सुनवाई किसी ने नहीं की। एसडीएम साहब मौके पर मौजूद है। इस समय का विश्वास जो इनके द्वारा दिलाया गया है कि कब तक जो इसको तैयार किया जाएगा, बहुत समस्या, इनसे बातचीत करेंगे। आप गाँव रणाना सिंह जी, तो देखिए यहाँ से भाई जा रहे थे, क्या नाम है जी? जय कुमार जी। तो कब से टूटी हुई है? इसने तो कम से कम एक साल हो लिया जी, जब बुरा हाल हो रहा जी गांव का। हाँ, बारिश के दिनों में क्या होता है? बारिश के दिनों में पूरा खड्डों में पानी भर जाता है जी। कभी इससे पहले मांग उठाई है? इससे पहले मांग उठाई है जी, बहुत किया जी प्रशासन को, लेकिन कोई गौर नहीं करा किसी ने जी, नहीं कोई सुनाई नहीं करा जी। तो आज गाँव इकट्ठा हुआ है? हाँ, आज गांव इकट्ठा हुआ है जी। अगर प्रशासन इस बारे में सुनवाई करे तो बहुत अच्छी सड़क हो जाएगी जी। यहाँ पब्लिक मेले बाहर का भी, गांव रटाने काम के रिश्ते भी होने बंद हो गए, मतलब जो बाहर का रिश्तेदार बंद हो गए जी। यहाँ मेले लोग आवा जावा, हाँ हाँ हाँ, इचकचाव जी, क्यों सड़क सही को नहीं जी। मैं देखिए, जब कोई रिश्तेदार आता है वो उसके दिमाग में एक मेंटलिटी बन जाती है कि मुझे सड़क से गुजरना पड़ेगा, मेरी गाड़ी या जो मोटरसाइकिल है वो टूट जाएगी। लेकिन इस समय आपको ये सड़क का नज़ारा, ग्रामीणों ने यहाँ लगाया था जाम, हालत बहुत गंभीर गंभीर ही कहेंगे इस सड़क की, क्योंकि इसका इलाज लगता नहीं, दवा दारू से हो जाएगा। इसका जो इलाज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है दोबारा हो सकता है। इसको बड़े नए सिरे से जो है मना एस साहब इस समय मौका का जायजा लेते हुए और मौके से जो है अभी जाते हुए और जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। मनदीप सिंह एसडीएम महोदय जी, हाँ, काफ़ी समस्याएं जो है लगातार अडाणा गांव के लोगों को यहां आ रही हैं, और ये महिलाएं हैं, इनसे भी जो है बातचीत करेंगी कि क्या समस्या है, क्या मांग करते हो प्रशासन से? बनवानी चाहिए रिश्ते बंद तो आप जब गली नहीं काम की, गांव की नहीं गली कड़ी बाहर की नहीं, आंदे नहीं है, ये भी नहीं आंदे, हम भी नहीं आंदे हैं, हम भी कतरा आंदी है ना, बिल्कुल है जी, ठीक ठीक। इब मारे बटे उन्हों को भी और कुकर जावा भी मोटरसाइकिल चल दी है। तो यहाँ जो एक समाज सेवी है, काफी समय से काफी अच्छा काम जो है करते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं पानी की, तो क्या आश्वासन दिया है भाई? देखिए एसडीएम साहब ने कहा अभी इसमें मिट्टी मट्टी डलवा दूँ और जल्दी ही सड़क बनने के लिए कहा, लेकिन मैं एसडीएम साहब से मैंने मुंह पे ही बोल दिया एसडीएम साहब के, अगर एसडीएम साहब अगर नहीं करेंगे ना आप मारे रोटी पानी का इंतजाम वहीं कर ले, हम धरना धरेंगे, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर धरेंगे, बिल्कुल बेझिझक धरेंगे, हम इस बात से डर देंगे। आप पीछे जो एक पार्षद भी रहे हैं और एक समाज सेवी भी हैं, तो आपकी तरफ से इस प्रकार की आवाज़ें उठाई जाती हैं, क्या पूरे गाँव के साथ किस तरीके से आप काम करते हैं मिलजुल करके, और ये समस्या आपने ही उठाई शायद? हाँ जी, देखिए सर, मेरे गांव की समस्या हो या किसी मेरे जितने भी वार्ड में आते हैं उनकी मैं बेझिझक उठाता हूँ। अगर कहीं भी मेरे वार्ड में समस्या नजर आओ तो बेशक सुनील को फोन करें, सुनील वहीं पाओगा ना, सुनील पर्चे दर्ज से डरता ना किसी बात से डरता, लोगों की समस्या के लिए 24 घंटे तपतर है। और जो समस्या आज उठाई है मैंने पहले भी एसडीएम साहब को दे रखी है, डीसी साहब को दे रखी है, मेरे पास लिखित रूप में सबके सबूत है, मैं आपको दूंगा भी। कम से कम 200 मेरे गांव के बुजुर्ग के साइन हो रहे हैं, पंचायत मेंबर के, सरपंच के, जितने भी मौजूद बंदे हैं सबके मैंने साइन करवा दे रखी, मेरे पास उसकी फोटो। दोबारा मैदान में है, लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है जिस तरीके से लोगों की आवाज उठा रहे हैं? देखिए मेरे साथ पूरी छत्ती बिरादरी का, ना कि मैं जात पात की राजनीति ना मैंने कभी करी ना कभी करूंगा। देखिए सर, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मैंने कभी छत्ती बिरादरी की आवाज उठाई और छत्ती बिरादरी का साथ मेरे साथ है, अब भी है, पहले भी था, और ना मैं कभी जात पात की राजनीति करी ना कभी करूंगा। लोग मुझे प्यार दे रहा दे करूंगा छत्ती बिरादरी की, क्योंकि छत्ती बिरादरी मेरे साथ है और लोगों के साथ मैं दिन रात जब भी मेरे। देखिए किस प्रकार से ये सड़क, दीपक नीचे बैठ करके दिखाओ भाई, ये सड़क थोड़ा दूर से, और इसके अंदर सिर्फ आपको ये पत्थर नजर आएंगे या फिर मिट्टी है सुनील जी? हाँ बिल्कुल, इसमें जी तारकुल तो डाले कौन था पहले भी, जब जैसे बनाई थी उसी टाइम खराब थी, अब बिल्कुल आपने दो चार बार लिखा भी है इनको पलिस ने दिया है, लेकिन हम चौपा लुट्टी करके अपना बंद कर, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, गांव के बच्चों के जो है रिश्ते होने बंद हो गए हैं, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार यहाँ आता है वो जो है गाँव तक नहीं। कितने किलोमीटर की सुनील जी? ये 2 किलोमीटर का टुकड़ा है वैसे तो, लेकिन मुआने तक जा, मुआने की भी टूटी पड़ी है, बारी वाली टूटी नहीं पड़ी, वो भी टूट गया, रिश्ते वो दाएं बाएं चला जा, रिश्ते अड़ाने में होंगे कौन जी, सब बुरा हाल हो जाए। तो काफ़ी एक बड़ी समस्या, तो इस समस्या को जो है आप शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। सतीश सतीश सुनिए जी, ये सरकार बिना किसी की, यानी कि इन अच्छी है बेट, इन्हें 2, 4, 5, 10, 20 नहीं मरते तब तक किसी पर किसी का दावे किए जाते हैं भाई ऐसी सड़क बना देंगे, वैसे सब बकवास है, कागजा मैं आज तक ये 2023 में काम करने का काम करेंगे, ताकि लोगों को
एक मलम लगाने का वोट 2024 के वोट हथाने का काम करेंगे और लोगों को बेकूफ बनाने का काम करें, ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास है जी। सतीश, समाज सेवी के तौर पर काम करते रहते हैं, क्या है दिमाग में? क्योंकि गांव बड़ा गांव है, सफीदों की साइड सड़क जाती है, मोहाना को मिलाती है, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा है। ये तो जब सड़क बनी थी ना, उस टाइम सैंपलिंग भी हुई थी, पता नहीं उस टाइम जिस तरह हमने भी करवाई थी इसकी सैंपलिंग, तो आई बात है गांव के 10 आदमी आ जाए, फिर मैं कहूँ भाई तने के जरूरत है। उस टाइम तो अरमाम तो उस टाइम 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ये मिट्टी और सिर्फ मिट्टी, तारकोल इसमें है बिल्कुल ना के बराबर, और यदि इसके अंदर मेटेरियल होता शायद ही कुछ ना कुछ ठीक चल जाती। और पिछले 5 साल से सिर्फ सरकार तक फरियाद दे करने लग रहे हैं भाई इस सड़क को बनवा दो, मेरे ख्याल से 4-5 बार तो SDM साहब ने भी आश्वासन दे लिया, और अब भी कह रहे हैं हफ्ते में, चलो हफ्ता तो कोई ज्यादा नहीं है, एक हफ्ता तो चलो निकल जाएगा, हाँ एक हफ्ते में कह रहे हैं भाई सैंक्शन होने के लिए जा रहे हैं, एक हफ्ते में सैंक्शन हो जाएगा और उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। और इस सड़क पर 2 तो स्कूल हैं, एक ये गैस एजेंसी है पास में ही, एक शमशान है तकरीबन, और यहाँ दोनों तरफ से ऊंचाई भी है, 1.5-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, पानी का तो हिसाब, बरसात तो 10 मिनट हो जाए हमारे गांव में भी, और इस सड़क पर भी पानी है पानी हो जाए जी, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं कहीं। सड़क आप देख भी सको, वो जो मेड बनी हुई है इसकी मेड से नीची है सड़क, सारा पानी सड़क पर खड़ा हुआ है, खेतों की तरफ नहीं जाता, तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है कि भाई अगर इसको ऊंचा उठावेंगे तभी सड़क अच्छी चल पाएगी। और यहाँ तो चलो ये तो 4-5 साल हो लिए, यहाँ से अभी बारी के लिए सड़क बनी है ये तो मेरे ख्याल से साल भी नहीं हुए उसने, उसकी भी यही खस्ता हालत होगी। देखिए आम जन की ये समस्या है, आम गांव की ये समस्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक हफ्ते का समय जो मिला, अब ये देखना होगा कितने समय के बाद कितनी % जो है कार्रवाई होगी। बने रहे, जुड़े इन तस्वीरों में आप ज़्यादा शेयर करें।